Good morning, students. This is Shivam. I hope you guys are well at your home. And as you all know, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूल अभी तक स्कूल फिलहाल बंद हैं सारे के सारे. So आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए सरकार ने ये एडवाइजरी नोटिफिकेशन दी है कि क्लासेस आपकी ऑनलाइन चलें. और जैसा कि आप जानते हैं कि आज मंडे से हमारी क्लासेस व्हाट्सएप में हमने क्लासेस वाली बोल सकते हैं कि व्हाट्सएप में हमने मटेरियल स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना शुरू कर दिया. सो मैं आज फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ मैथ की और ये होगी टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स की. बिकॉज टेंथ क्लास बोर्ड क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है, तो सिलेबस स्टार्ट करना जरूरी है इस टाइम पे. तो आज मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास लेके आया हूँ मैथ की. और फर्स्ट क्लास होगी आपकी चैप्टर नंबर वन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर वन एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रियल नंबर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रियल नंबर. सो रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. रियल नंबर जो है वो कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल नंबर का. नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा है रैशनल नंबर. रैशनल नंबर अ नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. कोई ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है लाइक दिस पी अपॉन क्यू. जिसमें जैसे एग्जांपल के लिए मैं पूछता हूँ 1/2, 3/2 ये माइनस में घुसती वैल्यू ये क्या है आपकी रैशनल नंबर. ठीक है, क्या है ये रैशनल नंबर जिसको आप सिंपली फ्रैक्शन भी बोलते हैं. और एक होता है रैशनल नंबर. एक बात और रैशनल नंबर बताया था पी अपॉन क्यू आर रैशनल नंबर वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो जहां पर क्यू की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होती. और इरेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होते. जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होती है आपने पढ़ा हुआ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है. नाइन्थ में आपने पढ़ी हुई चीजें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर. सो रियल नंबर आर द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर. ये कॉम्बिनेशन है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का. जैसे हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर. उसके नेक्स्ट पढ़ा था हमने होल नंबर. नेचुरल नंबर आपको पता है जो प्राकृतिक संख्या है नेचुरल नंबर वो स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और होल नंबर वो स्टार्ट्स फ्रॉम 0. उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीजर. अब जो ये इंटीजर है इंटीजर में आपके आते हैं होल नंबर. सारे के सारे होल नंबर भी आते हैं प्लस नेचुरल नंबर. लिख लें इसको भी. और जो मैं यहां पे लिखवा रहा हूं व्हाइट बोर्ड में आप भी उसको अपने नोटबुक में इसके नोट्स प्रिपेयर करते चले साथ साथ में. होल नंबर एंड नेचुरल नंबर. ओके, ये हो गया आपके इंटीजर. इंटीजर किस किस के होते हैं. इंटीजर आपको पहले बताया पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है. फ्रैक्शन में भी हो सकता है ठीक है और सिंपल भी हो सकता है. और अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में क्या क्या आता है. तो अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर में यही कलेक्ट कर लेते हैं. रियल नंबर कॉम्बिनेशन है रैशनल और इरेशनल का. अब रैशनल नंबर में क्या आता है इंटीजर. इंटीजर में क्या होल नंबर है नेचुरल नंबर. सो अगर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन रियल नंबर है तो रियल नंबर आपके सारे सारे कवर करते हैं नेचुरल नंबर को भी होल नंबर को भी और इंटीजर को भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव और साथ में इरेशनल नंबर को भी ये कवर करते हैं. तो रियल नंबर हम इन सभी के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं. मतलब सारे के सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर होते हैं. यहां तक आपको क्लियर होगा रियल नंबर कॉन्सेप्ट. तो ये है आपका चैप्टर नंबर वन रियल नंबर. अच्छा नेक्स्ट आपने पढ़ा है फ्रैक्शन. फ्रैक्शन आपको सभी को पता है फ्रैक्शन. व्हाट इज फ्रैक्शन आपने पढ़ा नहीं है. फ्रैक्शन वो होती है व्हिच टेल्स अस दैट हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव द होल. कि पूरे की पूरी वस्तु के हमारे पास कितने पार्ट हैं. ये आप जैसे केक बोलते हैं तो आप बोलते हैं 1/4 पार्ट मेरे पास है. मतलब आपके पास किसी केक का 1/4 पार्ट है ठीक है. तो उसको बोलते हैं हम फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने बताया 2/5, 3/2 दिस इज अ फ्रैक्शन. अब फ्रैक्शन से हम आपने नाइन्थ में पढ़ा हुआ है डेसिमल एक्सपेंशन. आपने पढ़ा नाइन्थ में डेसिमल एक्सपेंशन. फ्रैक्शन से ही हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं. मैं 1/2 की बात करूं तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन निकालूं तो आप क्या करते हैं सिंपली इस तरह करें यहाँ पॉइंट लग जाएगा. क्या आएगा यहाँ पे 0.5. क्या रहेगा 0.5. तो हम फ्रैक्शन से डेसिमल निकालते हैं. अब जो वहां पे निकलते हैं वैल्यूज वहां पे टू टाइप्स के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं आपने पढ़े होंगे. तो फिर से बताता हूँ आपको. लिखिए डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल
नंबर या फ्रैक्शन में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेसिमल नंबर सारे जाके होती हैं दो एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग पढ़ी आपने, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के भी आगे टू पार्ट्स हैं, एक होता है रिकरिंग एंड दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। तो वो आपको अभी टेंथ में आपको यहां से मैं एक बात यहां पे क्लियर करता हूं कि आपका जितने भी क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शन से जो भी बनते हैं वो या तो टर्मिनेटर आए टर्मिनेटिंग आएगा आपका डेसिमल फंक्शन या तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। और ये उसके जो फर्दर पार्ट है रिकरिंग, रिकरिंग में दोबारा दोबारा वही वैल्यू आना, वही तो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है जो बार बार दोबारा दोबारा से वही वैल्यू रिपीट हो। उसके नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग जो बार बार रिपीट हो और टर्मिनेटिंग जो वैल्यू पूरी तरह से कट जाए, जैसे यहाँ पे पूरी तरह से वैल्यू रिमाइंडर में हमारा जीरो आ गया था, ये वैल्यू पूरी तरह से कट गया, हम इसको क्या बोलेंगे, ये कैसा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ओके, और जहां पे नॉन टर्मिनेटिंग में जैसे आप पढ़ते थे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इसका एग्जाम्पल बताऊं तो आप लिखते 0.3 और ऊपर बार, मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग में क्या है, जैसे कि अगर आप 1/2 की निकाले, जैसे मैंने यहाँ पे निकाले, तो 0.5 क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये आपने पहले पढ़ी हुई चीज़। ओके, सो दिस इज योर इंट्रोडक्शन पार्ट, नाउ मूविंग टू द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1।